हेलो फ्रेंड, आज हमारे सामने है नया जुपिटर 125 एक्स कनेक्ट। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे जुपिटर के बारे में, इस बार जुपिटर 125 नहीं, जो हम बोल रहे थे एक दोस्त को लाने के लिए, लेकिन इस बार जुपिटर 125 नहीं, जुपिटर 125 एक्स कनेक्ट, स्मार्ट एक्स कनेक्ट यहाँ पे मिल जाता है आपको, जो हमारे पूरे डाल्टनगंज में अभी पहला डिलीवरी हुआ है परसों। कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे, कल बस स्लोमो में वीडियो ले पाए थे, लेकिन आज पूरा कंप्लीट है। इसमें आके देखेंगे कि क्या क्या फीचर है। शुरू करेंगे तो यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपको स्मार्ट कनेक्ट मिल जाता है, वैसा ही ये गाड़ी भी स्मार्ट है। जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग लाइट तो मिलता ही है, बाकी यहाँ पे आपको डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है पूरा एकदम, जो अपाची ये सब में भी मिलता है आपको स्मूथ वाला, जो मतलब TVS के टॉप मोस्ट हाईएस्ट बाइक में भी मिलता है, वो फीचर इसमें मिला हुआ है। यहाँ तक कि हमको लगता है यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी है जो कार में मिलता है, और यहाँ पे आपको माइलेज भी दिखाता है। देखिए क्लस्टर में देख सकते हैं तो आप, अभी 102 किलोमीटर चला है गाड़ी और माइलेज बता रहा है आपको एवरेज 41 किलोमीटर पर लीटर का, तो अभी नया गाड़ी में कम ही देता है माइलेज। और आज जिसमें थोड़ा सा अभी दिक्कत है, लेकिन बाकी सब ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आगे में भी आपको पार्किंग लाइट मिल जाता है, वैसे ही यहाँ पे पीछे में भी आपको पार्किंग लाइट मिल जाता है, देख सकते हैं। साइड लुक भी देख सकते हैं जुपिटर 125 और जुपिटर से भी कितना चौड़ा है आप देख सकते हैं। तब से पार्किंग लाइट जल रहा है, यहाँ पे आपको सिग्नल भी मिल जाता है पार्किंग लाइट का, लेफ्ट राइट दोनों साइड। इसको यहाँ से हम पार्किंग लाइट बंद कर देते हैं, क्योंकि नया गाड़ी है, मान लीजिए पता चला बैटरी डाउन हो गया तो किक भी हमारे पास ऑप्शन है। अब हो गया, बाकी यहाँ पे आपको पिछले वीडियो में आपको यहाँ पे मिलता था वो फ्यूल टैंक, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा आपके सामने, जो ऑफ़ करके ऐसे कीजिएगा तो ऑफ़ करके यहाँ पे आपको टैंक खुलेगा। देखिए ऐसे करके और ऐसे खुलेगा, राइट साइड कीजिएगा तब ना। अभी इसको बंद करना है तो ऑटोमेटिक बंद कीजिए ऐसे, फिर इसको बंद करके फिर खोलिए ऐसे। यहाँ पे देख सकते हैं इसको पुश करना है और जोर से इधर करना है, देख लिए कैसे होता है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं जुपिटर 125 का लेग गार्ड मिल जाता है, मतलब जो डोरमेट होता है। क्या ये फ्री में मिला है? नहीं, लगवाना पड़ता है। कितना में पड़ा होगा? लगभग 1000 या 1500 का मिल जाता है। पिछले वीडियो जो हम बनाए थे वो तो बंद हो गया था, शाम हो गया था, इसीलिए जाना पड़ गया था। तो आज हम इस दूसरे पार्ट टू भी कह सकते हैं, जुपिटर 125 एक्स कनेक्ट का पार्ट टू, इसमें आज हम पूरी जानकारी वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो जो पार्ट वन भी है वो इसी में आएगा। जैसे इसके जस्ट 1-2 मिनट पहले पार्ट वन दिखाया जाएगा। तो हम शुरू से बात करें तो यहाँ पे आपको गार्ड मिलता है, गार्ड पहले दिन गार्ड था, पहले दिन ये स्टील गार्ड। कितना पड़ा स्टील गार्ड का? स्टील गार्ड उसमें भी मतलब 3-4 हज़ार था, इसमें 4-5 हज़ार पड़ गया। ये जो आपको देख रहे हैं बॉडी गार्ड जो है ये स्टील का, यहाँ पे आपको स्टील मिल जाता है जो इसको बचाता है, और फिर यहाँ पे बॉडी को बचाता है, इंडिकेटर को बचाता है, और फिर पीछे में भी आपको स्टील गार्ड मिल जाता है पूरा। यहाँ से देखिए इधर से लेके पूरा इधर से लेके इधर तक। बाकी आपको फुट स्टैंड मिल जाता है दोनों साइड, ये देख सकते हैं ये फुट स्टैंड यहाँ पे, और उधर भी मिलता है फुट स्टैंड, यहाँ पे भी मिल जाता है आपको, और यहाँ पे लेडीज़ को चढ़ने के लिए फुट स्टैंड मिल जाता है, स्टेप जैसे लेडीज़ लोग बैठते हैं तो उनके उसके लिए स्टेप मिल जाता है। यहाँ पे आपको डुअल स्टैंड मिल जाता है, एक सिंगल स्टैंड और एक डबल स्टैंड, और यहाँ पे आपको आगे में नंबर प्लेट लगाने का जगह मिलता है, जो नॉर्मल हर स्कूटी में होता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ खास फीचर हैं, क्योंकि इसका दाम भी है मतलब ऑन रोड अभी 1,25,000 में ये मिल रहा है।
तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट मिल जाता है लगाने के लिए, और दूसरा होता है यहाँ पे बैक में, और यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ पे आपको जैसा कि हर स्कूटी में मिलता है यहाँ पे नंबर प्लेट आपको मिल जाता है, पर हर स्कूटी में आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर मिलता है जो ग्लो कर रहा है लाइट पड़ने पे, लेकिन ये जो है नंबर प्लेट के ऊपर यहाँ पे देखिए लाइट मिलता है, जो मान लीजिए रात में आपका नंबर प्लेट नहीं ना दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको लाइट मिलता है सिर्फ रात के लिए, मतलब रात में ये आपको नंबर प्लेट दिखाएगा, और आगे में भी यहाँ पे लाइट तो मिलता ही है ये, जिसके कारण आगे भी ये नंबर प्लेट पे लाइट आएगा। और यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाता है इंडिकेटर के पास, दोनों साइड क्रोम में डिज़ाइन मिल जाता है, और डायमंड कट एलॉय दोनों विथ डुअल डिस्क ब्रेक, डायमंड कट एलॉय व्हील आपको आगे भी मिलता है और डिस्क ब्रेक आपको आगे भी मिलता है, और ऐसा ही सेम यहाँ पे देखिए यहाँ भी मिलता है, पीछे भी देख सकते हैं, पीछे यहाँ पे ये है आपका डायमंड कट, और यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्क ब्रेक। यहाँ पे डिस्क ब्रेक है क्या? पीछे डिस्क ब्रेक नहीं है, मतलब सिर्फ आगे डिस्क ब्रेक है और पीछे ड्रम ब्रेक है। अब हो चुकी है रात, अब रात में तो आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया गाड़ी लग रहा है। अब हम इसके वीडियो का ब्राइटनेस कम करते हैं और देखिए कैसा लग रहा है, लग रहा है हार्ड। ये है आपका इंजन लाइट रात के लिए, ब्रेक अगर लगाएंगे तो, ब्रेक लगाएगा थोड़ा सा इसमें कैसा दिखता है, ब्रेक लगाने पे भी नॉर्मल ही है, मतलब गाड़ी स्टार्ट होगा तो तब शायद कलर बदले। अब ब्रेक लीजिएगा, अभी भी ब्रेक लेने पे नॉर्मल ही है, मतलब यही ब्रेक लाइट है, ब्रेक लीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा ग्लो करना पड़ेगा, ग्लो करेगा, मतलब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं तो ये पूरा ज़्यादा ग्लो करने लगेगा। और यहाँ पे आपको डुअल इंडिकेटर मिल जाता है, 125 सीसी है, और अब इसका साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट देख सकते हैं, आवाज़ सुन लीजिए। हाँ, तो इस गाड़ी का सबसे बढ़िया बात है कि इसमें मिलता है आपको पार्किंग लाइट, आप देख सकते हैं ये आपको पार्किंग लाइट मिलता है पीछे भी, मतलब दोनों इंडिकेटर एक बार में जलता है, आगे पीछे आपको सब जगह देख सकते हैं इंडिकेटर जलता है, मतलब पार्किंग लाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है एक जगह, इधर साइड भी आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है यहाँ पे, और साइड में यहाँ क्रोम फिनिश मिल जाता है, यहाँ पे जुपिटर 125 का लोगो मिल जाता है, साइड स्टैंड तो आप देखे ही थे, और यहाँ पे भी आपको TVS का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पे आपको बैक रेस्ट मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं बैक रेस्ट का पैसा मिला कि कंपनी फिटेड, हाँ एक जुपिटर 125X कनेक्ट में यहाँ पे आपको बैक रेस्ट कंपनी फिटेड मिलता है, तो ये बैक रेस्ट थोड़ा सा मतलब लुक को मतलब कम्फर्ट को तो बढ़ा रहा है, कंफर्टेबिलिटी को तो बढ़ा रहा है, पर ये लुक में एकदम ख़राब कर दे रहा है ये बैक रेस्ट। यहाँ पे भी आपको 125 का लोगो मिल जाता है, जुपिटर 125 को, यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्टर टाइप का मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, साइड में नहीं मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो इसका क्लस्टर में, यहाँ पे क्लस्टर में आपको मिल जाता है डिजिटल स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर दोनों देख सकते हैं, यहाँ पे अभी 40 का माइलेज दे रहा है, पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर, यहाँ पे RPM आपको मिलता है, सॉरी यहाँ पे RPM मिलता है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑडोमीटर मिल जाता है, यहाँ से आपको मूड चेंज होता है, देखिएगा ना, यहाँ देखिए 12 वोल्ट बताता है, माइलेज बताता है लास्ट वाला, और कितना रेंज चला, और टाइमिंग अभी थोड़ा सा ख़राब है इसमें, पावर इको मूड सब बताता है, और इधर आपको स्पीडोमीटर और ये फ्यूल बताता है, तो फ्यूल अभी 2 काटा है, और ऑडोमीटर तो आप देख ही रहे हैं 84 किलोमीटर चला है, हाँ हो गया। और यहाँ पे राइडिंग सीन्स, मतलब अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी क्या बोले इको मूड में है, हरा मतलब जल रहा है इको मूड, यहाँ पे आपको मिल जाता है लाइट को, यहाँ पे आपको
लो बीम हाई बीम मिल जाता है, लो बीम हाई बीम मिल जाता है, देखने पे आपको पता चल जाएगा लो बीम हाई बीम देख रहे हैं। और फिर यहाँ पे आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है, इसको बंद कीजिएगा, ये पार्किंग लाइट जल रहा है अभी देख सकते हैं, अब इसको बंद कीजिएगा यहाँ से, ये यहाँ से बंद हुआ तब यहाँ से आपको इंडिकेटर जलेगा, ये देखिए लेफ्ट वाला जला और अब देखिएगा ये मतलब ऑटोमेटिक, ये गाड़ी का फीचर है कि मान लीजिए आप चला के छोड़ दिए हैं तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा एक मिनट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए राइट इंडिकेटर आपको मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे DRL मिल जाता है आपको, और यहाँ पे भी अपने आप स्टार्ट भी हो गया, देख लीजिए आप गाड़ी के आसपास आएगा तो स्टार्ट भी हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक है। जैसा ओनर का कहना है कि ये जुपिटर ग्रैंड एडिशन 125 में भी यही अलॉय दे रहे हैं डायमंड कट, कुछ अलग करके TVS लाते हैं, जैसे कि इसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है 1,25,000 है और उसमें नॉर्मल 1,00,000 है, तो मान लीजिए कुछ तो अलग चीज़ देते हैं इसमें अलॉय में, नॉर्मल अलॉय लग रहा है जो नॉर्मल होता है, देख लीजिए सेम है वही वाला जो उसमें मिलता है आपको जुपिटर 125 में, एक्स कनेक्ट में भी वही मिलता है और ग्रैंड एडिशन जो आता है क्लासिक उसमें भी यही मिलता है, जो जुपिटर 125 CC हो या 110 CC हो आपको कोई भी नया गाड़ी लेने जाएगा तो यही अलॉय मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्लस्टर की, तो यहाँ से आपको इंडिकेटर तो बंद कर दिए, देखिए इंडिकेटर यहाँ से बंद हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको मिल जाता है, अब यहाँ पे आपको मिल जाता है लो बीम हाई बीम, तो यहाँ मिल जाता है हॉर्न इसका सबसे सुंदर, मतलब ये गाड़ी अगर आपको चलेगा तो आपका इलेक्ट्रिक जैसा पता मतलब लगेगा कि इलेक्ट्रिक ही गाड़ी है, ये लगेगा ही नहीं पेट्रोल गाड़ी है, मतलब सबसे साइलेंट गाड़ी है, हॉर्न सुन लीजिए एकदम हॉर्न, ये जुपिटर वाले ने कुछ TVS वालों ने कुछ जुपिटर में नया लगाया, हॉर्न सुनिए इसका है ना कुछ अलग अच्छा है हॉर्न। और अब हम बात करते हैं सब, जैसे कि पीछे मिलता है आपको पेट्रोल यहाँ पेट्रोल टैंक आपको यहाँ मिलता है पीछे, और यहाँ पे आपको की मिलता है सीट उट खोलने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको टैंक मिलता है आगे, मतलब अब पेट्रोल भरवाने जाइएगा तो हमेशा आगे गाड़ी रोकिएगा, यानी कि पीछे ही रोकिएगा, मतलब तभी आगे बढ़ाएगा, नहीं तो पीछे जाके आप फिर आपको बैक करना पड़ेगा गाड़ी। अब बात हुआ यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग मिल जाता है जिसे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं नॉर्मल चार्जर से, आपके पास चार्जर होना चाहिए बस मोबाइल चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे आपको ये मिल जाता है वायरलेस स्टार्ट सिस्टम भी बोलता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाओ मतलब उसके लिए कनेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे देखिए आपको लोगो मिलता है कि आप बोलिएगा कि जुपिटर स्टार्ट तो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको लोगो मिल रहा है, यहाँ देखिए स्पीकिंग स्टार्ट सिस्टम, यहाँ पे आप बोलिएगा तो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, मतलब बाइक स्कूटी सबसे अलग, मतलब इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है और पावर मोड मिलता है, अब देख लीजिए सबसे अलग, मतलब कोई बाइक सेगमेंट में किसी में क्रूज कंट्रोल नहीं है, देख रहे हैं आप, मतलब जुपिटर सबसे अलग इसी में, मतलब जुपिटर एक्स कनेक्ट इसी में आगे जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है क्या, आवाज़ सुनिएगा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, एकदम लाइटेस्ट साउंड एकदम सुनिएगा, स्टार्ट हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पेट्रोल है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, दिखने में भी वैसा ही लेकिन दमदार गाड़ी है, आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लेकिन आवाज़ एकदम साइलेंट है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है थोड़ा सा स्टोरेज, यहाँ पे फोन वोन थोड़ा मोड़ा सामान वाटर बॉटल कुछ रख सकते हैं, यहाँ पे आपको कैरी करने वाला हुक मिल जाता है, ऐसे खोल लीजिए कैरी करने वाला हुक जैसा कि देख सकते हैं कैरी करने के लिए यहाँ 3 kg इसमें मैक्सिमम टांग सकते हैं सब्जी उब्जी नॉर्मल, तो यहाँ से ये खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे भी मिल जाता है, देखिए यहाँ पे भी आप कुछ कैरी करने के लिए मैक्स, यहाँ पे भी आप 3 kg रख सकते हैं, यहाँ पे मैट जैसे कि पिछले वीडियो में भी था, और जैसा कि मेरे कार में 50 लीटर का टंकी मिलता है नॉर्मल स्कॉर्पियो ये सब में, यहाँ पे आपको 5 लीटर मिलता है, यहाँ पे आपको E20 देता है, E20 का मतलब है कि इसमें अगर आप चाहिए तो इथेनॉल भी भरवा सकते हैं। और ये हो गया आपका पुश लॉक यहाँ दिया हुआ है। अब हम पेट्रोल को खोलते हैं, पेट्रोल की लेफ्ट की राइट, पेट्रोल टैंक कैसे खुलेगा, पुश करके एकदम जोर से पुश करना है, राइट
एकदम जोर से घिसी है, देखिए खुल गया। यहाँ पे आपको 5 लीटर चल जाएगा। और ये पुश करना है, पुश लॉक है, यहाँ पे पुश कीजिएगा जोर से लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे बस फिर आपको बंद कर देना है, हो गया। और यहाँ पे आपको लेदर सीट मिल जाता है, देख सकते हैं प्रीमियम लेदर सीट मिल जाता है। देखने में आप गाड़ी देख लीजिए, यहाँ पे क्रोम फिनिश पूरा आप देख सकते हैं। गाड़ी देख लीजिए लाइट में भी कितना सुंदर लग रहा है। 125 का लोगो मिल जाता है आपको, और बाकी सब नॉर्मल है। लेकिन जो फीचर है, फीचर दमदार है। अब हम बोले सीट का, तो सीट इसको ऐसे करना है और इसको अंदर ले जाके, इसको अंदर ले जाके और सीट को एकदम जोर से करना है। अरे ये तो पेट्रोल टैंक खुल गया, एकदम हल्का सा पीछे कीजिएगा तो सीट खुलेगा। अब सीट में आपको देखिए कितना स्टोरेज मिलता है, जैसे हम बैग डाल रहे हैं तो बैग देखिएगा कितना बैग जाएगा। ये 33 लीटर मिल जाता है, मतलब उसमें तो पुराने वाले में 31 लीटर मिलता है, इसमें 33 लीटर। देखिए इसमें 2 हेलमेट आराम से रखा जाएगा। बैग देख लीजिए, इसमें एक और बैग रखा सकता है, देख सकते हैं 3 ठो बैग रखा गया है। अब इसको डिक्की बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है छोटा मोटा जो पार्ट्स होता है खोलने खालने का, और यहाँ पे आपको और मेडिकल एड मिल जाता है। और ये हम लॉक करते हैं, देखिएगा लॉक हो जाएगा। हाँ देखिए लॉक हो गया, मतलब 31 लीटर काम का है। 3 ठो बैग आपका हट जाएगा, 2 ठो हेलमेट आराम से, जगह अच्छा है। पर मान के चलिए तो आपका मतलब जो 10 किलो का आटा का पैकेट आता है वो भी रखा जाएगा इसमें आराम से। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के एक और फीचर की। मान लीजिए आप ये स्टार्ट कर दिए, ठीक है, और ये गाड़ी स्टार्ट है, स्टार्ट हो गया। अब मान लीजिए आप सिंगल स्टैंड इधर लगा देते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये हो गया पेट्रोल सेविंग मोड, मतलब देखिए स्टैंड लगाते हैं, देखिए बंद हो गया ना गाड़ी हॉर्न के साथ। अब स्टैंड हटाइए, स्टैंड हटा दिए, देखिए फिर आपको गाड़ी अब स्टार्ट करना होगा। इसको कहते हैं पेट्रोल सेविंग मोड। अब मान लीजिए अब गाड़ी, अब और दिखाते हैं आपको फीचर। ये गाड़ी से उतर गए हम लोग, अब देखिए गाड़ी चलाएं। अब थोड़े देर आगे दूर ले जाके इसको हम रख दिए, रोक दिए। अब देखिए कुछ देर में बंद हो जाएगा, देखिएगा ना कुछ देर में बंद होगा कि कुछ देर में बंद भी हो जाता है, देखिएगा। देखिए कि बंद हो गया। अब फिर से यहाँ पे लिखता है आपको वेलकम राइडर। अब हम शुरू से बात करते हैं, जैसे कि चाबी अब हम ऑन करते हैं फिर से, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टैंड, देखिए स्टैंड हटाने के लिए बोल रहा है। यहाँ फिर से बंद करते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है जुपिटर 125 का लोगो, और यहाँ पे लिखता है वेलकम राइडर, जो आपको नॉर्मल TVS के कोई भी गाड़ी में नहीं मिलता है। यहाँ पे ऑडोमीटर मिलता है, यहाँ पे हेलमेट का आपको लोगो मिल जाता है, और बाकी सब तो ये बता दिया नॉर्मल चीज़ है। और अब आवाज़ सुनाते हैं और थोड़ा सा आपको वीडियो दिखाते हैं कि दिखने में रोड प्रेजेंस कैसा है। ठीक है, अब रियल में आवाज़ इसका सुनते हैं, चलाने में कैसा लगता है आप देख लीजिए। चलिए देख आवाज़ सुनिए, ये देखिए आवाज़ सुनिए, एकदम आराम से हल्का सा साउंड है, एकदम आपको पता ही नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रिक है कि पेट्रोल, एकदम आराम से। ठीक है, हॉर्न भी आप दे सकते हैं ऐसे, देखिए हॉर्न दे दिए। अब देखिए इसमें कितना गाड़ी जाता है, नॉर्मल अभी नया गाड़ी है तो 60 से ऊपर नहीं जाएगा। नॉर्मल में आपको दिखाते हैं कितना जाएगा, नॉर्मल में आपको 30-40 जाएगा, दिखने में आपको जैसे दिखाते हैं नॉर्मल में 30-40। देखिए 40 से ऊपर नहीं जाएगा गाड़ी, और 40 से ऊपर नया गाड़ी को ले जाना भी नहीं चाहिए। गाड़ी नया है, पावर दमदार, मतलब नया नया गाड़ी है, उसको इंजन को आप क्यों खराब कीजिएगा। देखिए पिकअप भी देख सकते हैं, 0 से 20 एकदम 1 सेकंड में जाता है। देखिए लाइट भी देख सकते हैं अंधेरा में कैसा प्रेजेंस है इसका, हॉर्न भी सुन सकते हैं। और बाकी रफ्तार में तो है ही 125 cc जो है, मतलब उससे मतलब 110 cc का आता है नॉर्मल जुपिटर, उससे 15 cc ज्यादा है। देखिए स्पीड 40 से बेसी नहीं जाएगा, नया गाड़ी है। कुछ लोग भगा सकते हैं ऐसा हम दावा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ गाड़ी एक नंबर है, मक्खन चलता है। और दिखने में देख लीजिए इसमें भी आपको 40 से जाएगा, देखिए 40 बस इतना ही जाएगा। तो ठीक है, अब आपको मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।